नमस्कार मध्यान खबर को स्वागत करछु मैं चिन्मय। प्रथमे देखिबा हेडलाइंस। आकाश पाठक ठके मामला रे क्राइम ब्रांच एडीजी को सूचना, जे माने ठकेर शिकार आसी रिपोर्ट करंतु। आकाश पाठक टाटा मोटर्स रो एमडी कहि ठके करछंती, चाकरी आसेंक निकटरो विपुल टंका नेछंती। नयागढ़ जिल्लार पुणि जणे शिशु कन्या निखोज नै थाना रे एतला, रणपुर दधिपाटना गाँ दाण्ड में खेलुथिबा बेले निखोज अभियोग, परिवार पक्षर थाना रे एतला, अग्निशम विभाग रो छानबीन जारी। सांबादिक सम्मेलन में बीजेडी को टार्गेट कले डी पुरेन्द्रेश्वरी, कहले राज्य में सुशासन नुहे, चली कुशासन, कालिया योजना को नहीं कले समालोचना, स्वास्थ्य पानी और आवास योजना को नहीं राज्य सरकार को ऊपर बर्षिले। जगत सिंहपुर एरसमा मेडिकल महिला मृत्यु को नहीं उत्तेजना, डाक्तरों विरोध में कार्यानुषान क्षतिपूरण दावी रास्तारो, गतकाली फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन चली मृत्यु होता अभियोग। केबे खोलिब श्रीमंदिर, आज छतीसा निजोग बैठक में हेब आलोचना, पहली भोग और मकर संक्रांति नीति संपर्क में मध्य निष्पत्ति। गंजाम में बड़धरण समवाय स्काम, नकली सुना बंधक रखी कोटि कोटि टंका हड़प, बैंक मैनेजर बणियां मिलीभगत में चली कारबार, अभियोग पर खोलताड़ आरंभ। शेषे कोरापुटर 70 लाख टंकार गंजेई जबत, बाहर राज्य को चालाण बेले गंजेई जबत कला पुलिस, सेपटे कंधमाल गंजाम रे विपुल गंजेई गच्छ नष्ट कला अबकारी टीम। क्राइम ब्रांच एडीजी सोमेन्द्र प्रियदर्शी सांबादिक सम्मेलन, टाटा मोटर्स रे चाकरी देवा नारे आकाश पाठक ठकई करथिबा सूचना दैछंती क्राइम ब्रांच एडीजी। ठकई होइथिबा नै टाटा मोटर्स डेप्युटी मैनेजर त्रिलोचन महांती नामक जणे व्यक्ति अभियोग करथिले, 6 जण व्यक्ति को चाकरी देवा कहि ठकिथिले आकाश। ए अभियोग नै क्राइम ब्रांच रे आईटी एक्ट ठकई नै रुजु होइछे मामला। एही ठकई कारबार रे विधायक प्रदीप पाणिग्राही ओ आकाश पाठकक अकाउंट रे टंका कारबार होइथिबा नै क्राइम ब्रांच को सुराक मिलिछि। आकाश पाठक को 5 दिन रिमांड रे नै क्राइम ब्रांच तदंत करूछि, एहा सह तांको पीएस डेविड पितर को जेरा करा जैछि। तबे ठकामी रो शिकार होइथिबा व्यक्ति माने अभिजोग करबा पई परामर्श देले क्राइम ब्रांच एडीजी। ओ जण व्यक्ति जे अभिजोग करथिले जे टाटा मोटर्स रे चाकरी कराई देबा पई, से माने गोपालपुर रो माननीय विधायक डॉक्टर प्रदीप कुमार पाणिग्राही एवं सेमानंकर ओ तांकर सहयोगी को विपुल परिमाण अर्थ देइतिले। जेहेतु श्री आकाश कुमार पाठक गोपालपुर माननीय विधायक डॉक्टर श्री पाणिग्राही भाभी ज्वाई थिले एवं निजकु टाटा मोटर्स एमडी हिसाब रे काम करुथिले बोली अभिहित करुथिले, तेणु टाटा मोटर्स रे चाकरी कराई देबा पई श्री पाणिग्राही एवं तांकर सहयोगी अनेक आशायी मानंक ठारु निजे और सहयोगी मानंक माध्यम रे पैसा नहीं थिले। एही 6 जण व्यक्ति जो माने कि कंप्लेंट करिथिले सेमानंक मध्यरु 2 जण कहिथिले, 2 जण श्री पाणिग्राहींकर अकाउंट्स को मनी ट्रांसफर करिथिले एवं 4 जण आशायी प्रार्थी श्री पाणिग्राही बा तांकर घनिष्ठ सहयोगी को पैसा देइथिले चाकरी पाई। तदंतरु ए भी जणा पड़िछि जे अभियुक्त श्री आकाश कुमार पाठक विभिन्न चाकरी आशायी ठारु भाभी ससुर एवं गोपालपुर विधायक डॉक्टर पाणिग्राही एवं तांकर घनिष्ठ सहयोगी माध्यम रे पैसा नहीं जाल नियुक्ति पत्र प्रदान करिथिले। नयागढ़ जिलार पुणि जणे शिशु कन्या निखोज होइथिबार अभियोग होइछि, एने थाना रे एतला भी दिया जाइछि। नयागढ़ जिलार रणपुर ब्लॉक अंतर्गत दधिपाटना गाँव संजय कुमार साहू को 3 वर्षर झियो दांड रे खेलुथिबा बेले निखोज होइछि। एने सुनाखळा फांडी रे गतकाली एतला देथिले। संजय कुमार साहू को अभियोग अनुसार गतकाली अपराह 3टा बेले शिशु कन्याटी दांड रे खेलुथिबा बेले निखोज होइछि। अभियोग मिलिबा परे पुलिस अग्निशम बाहिनी एवं ओड्राफ टीम गाँव रे थिबा 3टी पोखरी ओ निकटस्थ जंगल रे खोजाखोजी करथिले, मात्र केउठारे हरप्रिया को पत्ता मिलि थिबा जणा पडिछि। एबे रणपुर थाना आईआईसी ज्योतिप्रकाश पंडा दधिपाटना गाँव रे डेरा पकाइछन्ते। एफआईआर देथिले थाना देथिले आज्ञा
ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ତଦନ୍ତ କଲେ, ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ କୁହ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖା ସରିଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ଉପାୟ ନାହିଁ, ସିଏ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କି ଆମର ସନ୍ଦେହ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯିଏ ବି ନେଇଛନ୍ତି ଭଲରେ ଭଲରେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବୁନି, ସେ ଖାଲି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆମ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କାଲି ଦିନ 2ଟାରେ ବାରିପଟୁ ଦୁଆରକୁ ଆସିଲା, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ସାଢ଼େ 2ଟା 3ଟା ଆସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜିଲା, ଆସିକି ସେ ତାକୁ ପାଇଲୁନି। ତୁ କାଲି ଯୋଡ଼େ ବାହାର ଯୋଡ଼େ 10 ଥିଲା ଗାଁରେ ଭୋଜିଭାତ ହେଉଥିଲା, ତୁ ସେଇ ସମୟରେ 4ଟି 4 ଜଣ କମଳ ବେପାରୀ ଆସିଲେ। କମଳ ବେପାରୀ ଆସିବା ଭିତରେ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜିଲା, କି 3ଟା ଆସିକି ସେ ପାଇଲେନି। ପାଇବାରୁ ନ ପାଇବା ତୁ ଆମର ଗାଁ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଲା, ଚାଲିଲା ହାତରେ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଆମେ ସୁନାଖଳା ଫାଣ୍ଡିରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁ। ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଥାନା ସୁନାଖଳା ଫାଣ୍ଡିରୁ ଆସିଲେ, ପୋଲିସ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ରାତି 9 ଭିତରେ ରଣପୁର ଥାନାରୁ ଆଇଏସି ଆସିଥିଲେ। ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ସେମାନେ କାଲି ପତ୍ରା ଉତ୍ତରା କରିକି କାଲି ଗଲେ, ଆଜି ସକାଳ 7ଟାରେ ରଣପୁର ଦମକଳ ଆସିଲା। ଦମକଳ ଖୋଜାଖୋଜି ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଖୋଜିଲା ପରେ ନିରାଶ ହୋଇକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପିଲାଟି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏହାର ତଦାରଖ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପୋଲିସ ଆମ ପାଖରେ ଆଣିକି ପିଲାକୁ ହାଜର କରୁ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ, କହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଶାସନ ନୁହେଁ କୁଶାସନ ଚାଲିଛି। 2014ରେ ପକ୍କା ଘର ଦେବାକୁ ବିଜେଡି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ମାତ୍ର 2019 ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିପାରିଲାନି ବିଜେଡି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଗଲାନି, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା କାହିଁକି ଲାଗୁ କଲେନି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? କେତେକ ଘରକୁ ପାନୀୟ ପାଣି ଯୋଗାଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାବ ଦେବା ଉଚିତ। କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ କିଏ କୃଷକଙ୍କ ଭଲ ଚାହୁଁଛି ଜାଣିବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟରେ କାଳିଆ ସହାୟତା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି, ଏହା ସୁଶାସନ ନୁହେଁ କୁଶାସନର ପ୍ରମାଣ। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ। ନୟାଗଡ଼ ନାବାଳିକା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। 4.5 କୋଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ପରିବାର, ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ। आपके खुद का मिनिस्टर अरुण साहू उस हथियारे को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो नवीन बाबू क्या कर रहे हैं? इसलिए मैं बोली, लोग नवीन बाबू को वोट दिए, उसको रिस्पॉन्ड करना है, उनके ऑफिसरों को नहीं। इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि जरूर नवीन बाबू इस पे एक्शन लेना ही है। भारतीय जनता पार्टी हैज बीन स्टिकिंग टू इट्स डिमांड दैट इट शुड बी अ सीबीआई इंक्वायरी। Here, there was an announcement that there would be a High Court monitored sit inquiry. We are straight questioning the state now. Where is the High Court monitoring? Wo ho hi nahi raha. Then what High Court monitoring are we talking about? Okay, how many cases that were monitored by the High Court that came to its logic conclusion? So we stick to our stand that we need a CBI inquiry and we are not going to go back on that. Na yahan law and order kahan hai? Itne mahilaon ki taskaran ho rahi hai, itne mahilaon par atyachar ho rahe hai, itne bacche gum gaye hai. NCRB ka report yahi hai ki 2 saal mein lagbhag 5000 bacche yahan se gayab hai aur recovery rate kitni hai? Keval 14%. तो कहां की लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पे? और खुद अपने मंत्री जो है, खुद आपके एमपीज जो है, खुद आपके एमएलए जो है, केस में फंसे हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं, तो किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? जब परी की हत्या हुई थी और बीजेपी ने यही मांगा कि हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, तो जब से कांग्रेस पार्टी बोल दी कि सिट ठीक है, सिट का आह्वान करते हैं हम। और ये कौन बोले? वहां के जो अभी मैं कह रही थी नरसिंह जी, वही खुद बोले थे ये बात। और ये बोले कि दिस इज द बेस्ट दैट कैन बी डन। पर जब भारतीय जनता पार्टी एजिटेशन करके ये बताई कि सिट को कोई लीगल पावर्स नहीं है,
तो वही नरसिंह जी अब बाहर आके कह रहे हैं कि हाँ हाँ ये ठीक है, बीजेपी ने ठीक कहा, अब नवीन बाबू को इस पे ध्यान देना है कि किसी एक को जिसको लीगल पावर्स है उनको लेके आना है। तो हम आप ही सोच के समझिए ना, कौन किससे मिला हुआ है। खुद कांग्रेस पार्टी के नेता बाहर आके कहते हैं कि हमारे नेता लोग बीजेडी से जुड़ गए हैं, तो कौन सी बात, किसकी बात कर रहे हैं आप। जगतसिंहपुर जिला एरसमा ब्लॉक गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में महिला मृत्यु को नहीं उत्तेजना देखा दी। एरसमा ब्लॉक बलईपुर पंचायत नालकणी गांव त्रिलोचन राउत धर्मपत्नी बिंदुलता राउत गत काली परिवार नियोजन कैंप को अस्त्रोपचार पर आसते हैं, तीस जन शेष में ना डक जाता अस्त्रोपचार पर ओटी भितर को जाते आउ फेरी पार नथिले। डाक्तर अवहेला जड़े सुस्थ महिला जीवन जाइवा अभियोग आरबार लोके जड़े अवसरप्राप्त डाक्तर प्रताप दास कहीं ऑपरेशन करथिले बोली परिवार लोक प्रश्न उठाई। एने मेडिकल रे उत्तेजना प्रकाश पाइबा सह उक्त डाक्तरों ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान सह क्षतिपूरण दाबी करछन्ती परिवार लोके। घटना पर पूरा स्पष्ट भाव इतने प्रशासन गोटे फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन होतीपाई सरकार प्रशासन पूरा मानने स्वास्थ्य प्रशासन पूरा सचेतन हवा दरकार। ये कौन करपरेसन जेनेटर नहीं, व्यवस्था किसी नहीं, एभली अवस्था जड़े बाहर डाक्तर को आनी वयस्क लोक ये ऑपरेशन कराई। ये ऑपरेशन पूरा सीडीएमओ दायी एपाई सीडीएमओ एक्शन हवा दरकार। जो मैंने इतने संपुक्त अच्छा आप गोटे इनक्वारी होमें पूरा सीधा कर डाक्तर को गिरफ्त करा जाओ। ए विषय में पूरा इनक्वारी कर प्रशासन जो मैंने संपुक्त अच्छा एक डाक्तर नुह तांगे सीडीएमओ ठूँ आरंभ कर समस्त विभाग अधिकारी मान विषय इनक्वारी कर दोषी सब्यस्त करा जाओ एवं आईन अनुसार माने मर्डर केस रे इनवॉल्व हो। तबे संपर्कित अधिक सूचना पई हम सहित फोन लाइन रे जोडी छेंती हम प्रतिनिधि मानस कानून को जोडी छेंती। मानस वर्तमान जे अभिजोग आसुची अभिजोग कोन रहिछ वास्तविक भाबरे। हाँ देख तो चिन्मयी गत काली दिन बेला जी रही बलईपुर एसमा थाना बलईपुर पंचायत नलकणी ग्राम रही नलकणी ग्राम त्रिलोचन राउत पति बिजुलता राउत काली आसीथिले एसमा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को परिवार नियोजन अस्त्रोपचार पाई कि परवर्त पर्याय जो अस्त्रोपचार सरी हटात रात 9 को देह सीरीयस होता है और जितेबाला डाक्तर को खोजी जो अस्त्रोपचार डाक्तर मौजूद नए कि पर देह विशेष भाव बिगड़ी परवर्त पर्याय कौन से डाक्तर आवेलेबुल फल अवस्था संकटापन्न होगा मृत्यु होता कि मृत्यु खबर भी परिवार लोक तत्नात दि जाए ना जहाँ को लेकर परवर्त जो किसी समय पर परिवार लोक माँ पाक गले जो त्रिलोचन स्त्री पाक गले से जान नी स्त्री बिजुलता मृत्यु होती जिते जानवाक पाइले बिजुलता मृत्यु होती से मेडिकल परिसर उत्तेजना प्रकाश पाई जड़े जो जहा रही सूचना आम पाखे जो जिले किसी डाक्तर को अनभिज्ञ डाक्तर को जो अपरेसन पाकर ट्रेनिंग दि जाता कि से जो डाक्तर मैंने गत काली जाकर जड़े गत काली जाते एसमा डाक्तखाना अस्त्रोपचार करते जो त्रुटिपूर्ण अस्त्रोपचार होता भी जहां अभियोग हूँ त्रुटिपूर्ण अस्त्रोपचार पर त्रिलोचन स्त्री बिजुलता मृत्यु होता जहां को लेकर उत्तेजना प्रकाश पाई गत काली राति 10 बेले जो खबर मिले आम सांगे सांगे अर्गस्ट भी यहाँ कवर कर रात प्रसारण करवर्त आम सका सका जो ग्रामवासी और पर लोके आसिक एसमा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र आगे धारण बसी मृतकों पर 20 लाख टा क्षतिपूर्ण देवा आवश्यक रही सहित जो डॉक्टर जे अस्त्रोपचार करते विधिवत भाव में तदंत कर गिरफ्त करने आवश्यक रही लेकर ग्रामवासी और परिवार तरफ एसमा थाना सहित एवं मेडिकल आगे धारणा देते सांगे सांगे चित्तौड़ एसडीपीओ रही दीपक जेना पहुंचे तहसीलदार पहुंचे विडीओ पहुंचे और सहित अम्य पाणी जी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारी अच्छे से पहुंचे कि उच्चयुक्त लोक को बुझा सुझा करने लोक जी जी अटल अच्छा परिवार को क्षतिपूरण देवार आवश्यकता रही डाक्तर को तुरंत गिरफ्त कर आवश्यकता रही जी जी अटल रही जपर्यंत जिलापाल सीडीएमओ घटनास्थल को ना से पर्यंत आंदोलन ओहरब नहीं पर्यंत उत्तेजना प्रकाश पाई चिन्मयी। निश्चित भाव में तेज मानस वास्तविक भाव में जहां मृत्यु घटी बिंदुलता राउत पूर्व कौन स्वास्थ्यगत समस्या रही
ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନଥିଲା, ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ପାଇଁ, ପରିବାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ସେ ମେଡିକାଲ କାଲି ଗତକାଲି ଆଡମିସନ ହେଇଥିଲେ, ଆଡମିସନ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି କି? ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି, ଗତକାଲି ଠାରୁ ମେଡିକାଲ କୋଉ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପେରା ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯିଏ ତୁରନ୍ତ ସେ ଯୋଉ ଅନଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଯିଏ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଣିଲା କିଏ? ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସିଡିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ରହିବେ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଚିନ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନସ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଜୀବନ ହାରୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବା? ତେବେ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସଗତ ନଥିଲେ ବା ସେ ଡକ୍ଟର ଯଦି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଠିକ୍ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ, କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରୁଥିଲେ? ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଇଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ରହିଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କୀୟ ହରାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନସ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ନୂଆ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ, କୃଷି ଆଇନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମର୍ଥନରେ ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଶର 20ଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ଶତାଧିକ କୃଷକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 3ଟି କୃଷି ଆଇନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 450ଟି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର ଫି ଆଦାୟ ବନ୍ଦ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାଣିକୋଇଲି ଏବଂ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁରଠାରେ ଥିବା ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସମେତ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ମାଗଣାରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାଷୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ରାସ୍ତା ମରାମତି କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ଶେଷରେ ଏକାଠି ହୋଇ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ ଲୋକେ। କନ୍ଧମାଳର ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ 6 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ, ଶେଷରେ ଏକାଠି ହୋଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ଶେଷରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ, ବାଲି ଗାଡ଼ି ପକାଇବା ସହ ରାସ୍ତା ସମତୁଲ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ ବ୍ଲକ କଟ୍ରିଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। କାଣିବାଲିଠାରୁ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକର ଦିନାବାଲି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବି ଶୁଣି ନଥିଲା ପ୍ରଶାସନ, ଶେଷରେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ମରାମତି କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବହୁତ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, କାମ କର, ଆମେ ତ ଫିରିଙ୍ଗାକୁ ସଦାବେଳେ ହାଟକୁ ଯାଉଛୁ, ବଜାରକୁ ଯାଉଛୁ, ପନିପରିବା ନେଉଛୁ, ବି ପନିପରିବା ସିଆଡ଼ୁ ବି ହାଟକରୁ ବି କିଣିକରି ଆଣୁଛୁ। ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଲୋକ 3ଟା ବେଳ ଲୋକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଏଇଟା କାମ କରିବା ଲାଗି। ଆଉ ଏଇଟା କୁଟିନ ପତ୍ର, କଦମ ପତ୍ର, ସବୁ ଯାତାଜିରି, ଜାନା ସାହି ସବୁ ମାନେ
जावासा कर रास्ता मरामत प्राय बारंबार कहलु विडीओ कहलु सरपंच मान को कहलु किए भी नजर दे इटा आम बाध्य आम तीन टा वार्ड लोक चंदा बेदा करा कम मटी पकाच आमर रास्ता घाट जो सुविधा सुजोग ना से आम समस्ते गाँ लोक एकत्रित आम कम करने आसचु देख बर्षा दिने मेडिकल जा सुविधा ना एक स्कूल कॉलेज जीवार सुविधा ना तेणुक आम समस्ते गाँ लोक मिसी ए मटीटा पकवाई रोड आस कृषि बिल सपक्ष रे देशर 700 जिला को जीव बीजेपी सेठारे सांबादिक सम्मेलनी करा जीव चासिंग को सह मीटिंग हेबो लोकंकु सचेतन करा जीव सह कांग्रेस ओ ता संगरे जोडी होइतिबा विरोधी दल अशांतिर वातावरण सृष्टि करुछंती जेमानंक पाखरे मुद्दा नाही सेमाने एपरि करुछंती सेमाने चासिंग को हित चाहनथिबा बीजेपी कहिछे जेतकीटा जिला को कहिबे सेतकीटा जिला को मु जीवि आउ एटा क्रांतिकारी आईन चाषी लाभ पाई मुस करुची मुशी गुटे एवं मुझी एतार द्वारा चाषे आम के लाभ हम आटा को किसी विरोधी शक्ति देश विरोधी शक्ति आउ किसी तत्व यटा को विरोध करुछंती जोटा कि ठीक नुहे यटा को मेजोरिटी ऑफ द चाषी आपन को यटा को समर्थन करुछंती तेणु पार्टी तरफ जहाँ निर्णय हम से मुझ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे नहीं लोक तो बुझी सारी एटा कि लोक हैंडफुल ऑफ पीपुल किसी से जबरदस्ती स्पॉन्सरशिप नहीं करी आंदोलन करमती ना न देश में बाकी एरिया कृषक मैंने निश्चित भाव में बुझी सारी लोक ये भल आईन हम तबे संपर्कित अधिक तथ्य पई आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र जोड़ी प्रदीप्त वास्तविक भाव में जो नुआ कृषि बिल आसी चाषी बुझी पार ना बोली जहाँ बीजेपी कहे एवं आ तार दल पक्ष जहाँ प्रचेषा कर 700 जिला को जीव दल बा जिला सबू जिला स्तर में सांबादिक सम्मेलन चाषी सह मीटिंग हेबो चाषी को जो नुआ कृषि नीति कौन से बेनिफिट रही दल बुझेबा को चेष्टा कर वास्तविक भाव में आउ कौन योजना रही दल पक्ष चाषी माने संतुष्ट हेबे कि निश्चित भाव चिन्मय आप जो कथा कहले नूतन कृषि नीति को लेकिन जो पर भाव विभिन्न विरोधी दल देश सारा गोटे प्रकार विरोध प्रदर्शन कर भारत बंद होता किद आगे आम देखी तो कृषि नीति किपर भाव चाषी मान हित कृषि नीति नूतन कृषि नीति अणाई चाषी मैंने उत्पादित द्रव्यर उचित मूल्य पाई जमीक आगुरी मंडी मंडी में ही जाने एमएसडी दर में बिक्री करतीत एमएसडी तो रतीत से मैंने खोला मार्केट को जाकि उत्पादित द्रव्य को बिक्री करेंगे नूतन कृषि नीति अणाई मार्केट दर में बिक्री करें जो अधिक दर पाइबे से बिक्री करें कृषि जहाँ प्रधानमंत्री कहते कृषकों आय दुई गुण जमी दुई गुण हो पार से सरकार सब चेष्टित अच्छा तेणु से अति गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेक्षी में बीजेपी पक्षर 700 टी जिले में देश सारा 700 टी जिले में 100 टी सांबादिक सम्मेलन करा जीवो एवं 700 टी कृषि सभा करा जीवो अर्थात सेठारे चाषी मान को बुझा जीवो जे नूतन कृषि नीति किपर भाव देशर चाषी मान को प्रणयन करा जाइछि एवं एही कृषि नीति द्वारा पूर्वर आम देखा जी गत देश स्वाधीन पर बर्तमान जाए जो समय कांग्रेस यूपीए सरकार थिला से समय एमएसपी दर के परवर्ती समय गत 6 वर्ष भीतर 2014 रु 2020 भीतरे एमएसपी दर के वृद्धि पाई चाषी मान कृषि सिंचाई योजना कथा आम कहवा पीएम किसान निधि योजना कथा कथा कहवा तो मोदी सरकार समय क्यों नुआ योजना आद्वारा चाषी उपकृत हो पार्टी से सचेतन कर जो विरोधी मैंने गोटे प्रकार जो विभ्रांति करने चेषा कर चाषी मान को कृषि नीति विरोध दूर करने चेषा कर विशेषकर एगदे जो स्थानीय नेतृत्व मानदेव सहित जहाँ सूचना रही केन्द्र मंत्री मान जो चाषी मान सहित जो वार्तालाप हम से जोगदे तेणु मोटामोटी भाव आम देखा जो प्रश्न रही चाषी मान मन भितर विरोधी मैंने विभ्रांति करने चेषा कर जो सब भिन्न भिन्न प्रश्न को लेकिन जो भ्रांत धारणा रही चाषी मान मन भितर ताकू दूर करने चेषा कर मूल लक्ष्य रही तेणु
ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ନୂଆ କୃଷି ନୀତି ଆସିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ହୁଏତ କେଉଁଠି ଚାଷୀମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଛି, ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 700 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବ ଦଳ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସମୟ ସରିଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।